16/2/2019 शनिवार को इंडिया के लोको सिटी चितरंजन में भारत संघ के द्वारा पुलवामा आतंकी हमले में शहीद भारत माँ के सपूतों के सम्मान में एक रैली का आयोजन किया गया है, जो R7 के भारत संघ से आमला दही तक पैदल चलकर संपन्न हुआ। इस रैली में जहां आतंकवादियों के लिए लोगों में आक्रोश थी, तो वहीं भारत माता के शहीद सपूतों के लिए आंखों में आंसू और आंखें पूरी तरह से नम थी। भारत माता के ये सपूत जब हमारे लिए जागते हैं, तभी हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। ये फौजी जब अपने घरों को छोड़कर सीमा पर तैनात रहते हैं, तभी हम अपने घरों में निर्भय रह पाते हैं, तभी हम अपने घरों पे निर्भय रह पाते हैं। इनके परिवार जहां एक पुत्र को खूनी का शोक मना रहे, तो वहीं अपने दूसरे पुत्र को देश की सीमा पर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी माताओं को हमारा सलाम है। पूरी दुनिया में जिंदगी के नाम पर जितने जीने वाले लोग हैं, उससे कहीं ज़्यादा भारत में भारत के नाम पर मरने वाले लोग हैं। देश ने जब भी एक सर मांगा, हमने भर भर झोलियाँ दी हैं, हमने भर भर झोलियाँ दी हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। तो चलिए हम सभी साथ मिलकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद भारत माता के सपूतों को भावपूर्वक श्रद्धांजलि देते हैं और कसम खाते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ हम सभी साथ मिलकर खड़े होंगे और इस कुर्बानी को यूं ही व्यर्थ नहीं जाने देंगे। जय हिंद।